अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है वो है सैरी व्लॉग। वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम आपके साथ लेकर आए हैं सैरी व्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गया तो क्योंकि रमज़ान में बहुत काम वाम होते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अभी मैं आप लोगों को हम लोग शेयर करने वाले हैं आपसे बहुत यमी यमी रेसिपीज़। और अच्छा, अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहे हैं और सहरी की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपने आगे व्लॉग में आप लोग देखेंगे, तो अभी मैं आप लोगों के साथ सहरी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आगे सारी रूटीन भी शेयर करूँगी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। तो आगे व्लॉग को देखते रहिएगा, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, मैंने किचन में फेरी लाइट्स लगा दी, और क्योंकि जो है ना रमज़ान है तो थोड़ी रोशनी वगैरह अच्छा लगे, थोड़ा स्पेशल भी करना था फील। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे लाइट्स लगा देती हूँ जो बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे जो है ना, मैंने आपको किचन का जो है अपना पूरा टूर नहीं कराया, तो बस थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखा दी कि लाइट्स मैंने कहाँ कहाँ लगाई हैं, क्या क्या सेटिंग हुई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना बर्तनों को रैग रखा हुआ कोने में बस, और उसके ऊपर भी जो एरिया है वहाँ पे मैंने लाइट्स लगा दी। वैसे पूरे किचन में आराम से लाइट्स आ गई क्योंकि ये 20 फिट की थी ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा रैग रखा हुआ है जिसके ऊपर बस चीनी पत्ती का डब्बा है, और चौकी रखी हुई है, चिमटा रखा हुआ है, और जो संभाल की ज़्यादा चीज़ें होती हैं बस। और मैंने कुछ भी अपने जो है काउंटर टॉप पर नहीं रखती मैं ज़्यादा सामान, तो ग्लास का स्टैंड रखा हुआ है मैंने, और चमचों का जो है स्टैंड सॉरी चमचों की बास्केट रखी हुई है, उसमें चमचे मैंने डाल के रख दिए हैं। तो बहुत ही प्यार लगता है। और ये कैबिनेट वगैरह जो है इस तरह के कुछ बने हुए हैं, बट थोड़ा बहुत ही शेयर किया है, टूर नहीं कराया अभी पूरा। अच्छा, ये जो है ना, आपने व्लॉग देखा होगा, अगर आप नहीं अभी अपलोड नहीं हो वैसे आप देखेंगे, तो जो है जग जो है ना मैंने डॉलर शॉप से लिया है, और तकरीबन 230 का मुझे जग मिला था। ये डॉलर शॉप पे आप जाएंगे ना अगर किचन के आइटम्स लेने तो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखें, ये बर्तनों का रैक भी रखा हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर भी सिर्फ ख़ास ख़ास चीज़ें हैं, बाकी सब जो है कैबिनेट के अंदर होता है। अच्छा जी, मेन चीज़ यहाँ पे आ गई थी, सहरी का व्लॉग है तो सहरी में क्या बन रहा था मैंने को वो शेयर करूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया, प्याज डाली, उसमें लहसुन अदरक गरम मसाला, जिसमें काली मिर्चें थी, बड़ी इलायची थी, और दालचीनी का टुकड़ा था, और जो है ज़ीरा डाल के अच्छी तरह मैंने जो है भून लिया उसको। और फिर जो है उसके अंदर हमें स्पाइसेस और जो हमने बनाया है वो ऐड करेंगे, आगे आप देखते रहेंगे। अच्छा, अब जो है ना इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी कुटी पिसी हुई मिर्चें, और थोड़ी सी छोटी मिर्चें, नमक, हल्दी, कलर प्यारा आ जाता कि उसके लिए ऐड कर दिया था, और धनिया जो है तकरीबन अपने हिसाब से जो है अपने स्पाइसी के हिसाब से आप जो है ऐड कर सकते हैं। वैसे जो है मैं यहाँ पे तकरीबन 6 मैंने गोला कबाब का सालन बन रहा है तो 6 गोला कबाब लिए थे मैंने, उसके अंदर ऐड करे तो उस हिसाब से मैंने 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मचे ऐड कर दिया। अगर आपको जितने आप क्वांटिटी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, बस मैंने आइडिया दिखा दिया कि सहरी का व्लॉग शेयर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने बीफ के गोला कबाब बनाए हैं, और उसके अंदर जो है ना कीमे के अंदर मसाला, प्याज, हर धनिया, हरी मिर्ची डाल के जो है उसके ना शेप बना ले, जो उसका गोल बनाना चाहें गोल बना सकते हैं, और जो शेप चाहें ओवल बनाया वैसे मैंने शेप। तो जो है इसके अंदर मैंने पानी डाला, उसको अच्छे से भून लिया, भूनने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी गोला कबाब, और फिर जो है मज़ेदार सा सालन जो है झटपट तैयार हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार होगा। यानी सहरी में वैसे ही इतना शॉर्ट टाइम होता है तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से ही कुछ बन जाए। अच्छा, यहाँ पे बन रही थी रोटियाँ, क्योंकि हमें सालन के साथ रोटियाँ खानी थी, पराठों के साथ भी बड़े मज़ेदार लग रहा था ये, बट जो है हमने यहाँ पे 4 रोटियाँ बना ली थी कोफ्तों के उसके साथ, गोला कबाब के सालन के साथ। हमने बोला कि ये क्लिप भी शेयर किया जाए, और ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक सालन की, कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना टेस्टी और यम्मी एकदम चटपटा सा सालन। पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप, रोटी के साथ भी, चावलों के साथ भी, बहुत मज़ेदार लगता है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो है भाई वीडियो को देखें और चैनल को विज़िट करें, और आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें। आपको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।